रिजर्वेशन अपर कास्ट को देने की ताकत किसमें थी? पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने की हिम्मत घर में जाकर मारने की किसमें थी? साथियों, इसके पीछे 56 इंच के सीने के पीछे धड़कता हुआ दिल भी चाहिए, जो दिल इस भारत माता के लिए धड़कता। आज कह रहे हैं देश संकट में, संविधान संकट में, यूं नहीं कह रहे परिवार संकट में। परिवार संकट में बोल रही है बहन जी को, मैं कह दिया हमने पूरा सम्मान करते हैं हम दलित की बेटी का। हमारे घर के गांव में 7 जात मिलकर देश की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है। अगर दलित की बेटी रहती तो हम का सम्मान करते, सिर माथे पे बैठाते। दौलत की बेटी बन गई। हमारा गौतम बुद्ध नगर थोड़ा पैसे वैसे वाला क्षेत्र है, पता है ना कितने में बिकी सीट? सबको पता है ना? बता दो। अभी भी 2 घंटे बाकी, किसी को बोली लगानी हो तो लगा लो। 21 करोड़ पहुंची है अभी, देख लो कोई और थोड़ी बहुत बढ़ा रहा हो तो। अब ये ऐसे लोग जो सीटें पैसे से बेचेंगे, और एक भी सीट नहीं है, एक भी एमपी नहीं है बहन जी का, और कहती प्रधानमंत्री बनूंगी, एक भी नहीं। एक तो चाहिए भैया, जो पीएम बनेगा उसकी एक तो चाहिए। 35 सीट पे चुनाव लड़ रही, कुल 35। दो उनको भी दे दी हमारे चौधरी साहब को भी, चरण सिंह के भी नाम पे। चरण सिंह इस धरती के माटी पुत्र थे, उन्होंने देश के किसान को सम्मान दिया। 35 सीट पे लड़ रही है, हम सब हार गए भैया, सब गौतम बुद्ध भी, बुलंदशहर भी, सब हार गए। मान लो 35 मिल गई, चाहिए 272, कहां से लाएंगी? कहती है भतीजे से ले लूंगी। अब भतीजा बेचारा चाचा को मनावे, बाप को मनावे, उसी में लगा हुआ है। वो भी 35 पे लड़ रहा है। 35-35 दोनों मिला लो, सब हार गए। यूपी की सब सीट हार गए। 70 चाहिए 272, 202 कहां से आएंगी? कौन देगा? अब अखिलेश भैया भी कहते हैं, दीदी बहन जी भी कहती है, दीदी भी कहती है, और हमारा पप्पू भैया भी कहता है, कहते मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। अब ये बात दूसरी थी कि इन्होंने उसे बाहर कर दिया। नवाबाई तो पटाखा जो चल चुका जितना चल रहा था। अब भैया ये बताओ, ये सारे अगर मिलके बना ले सरकार तो वो सरकार चलेगी क्या? चरण सिंह जी की सरकार इन्होंने चलाई और पीछे से तख्ता खींच लिया। देवगौड़ा जी की सरकार चलाई, पीछे से तख्ता खींच लिया। इंद्र कुमार गुजराल जी का, तू भी बन ले इतने दिन के लिए प्रधानमंत्री, उनकी भी सरकार चलाई। ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। वीपी सिंह, ये 4-4, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 15-15 दिनों की इनकी सरकारें चली, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। एक तरफ आपका बब्बर शेर नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ अगर धन्नू जी, अगर तराजू में दूसरी तरफ सारों को भी खड़ा कर दो तो पासंग में भी खड़े नजर नहीं आते, ये कहीं भी नजर नहीं आते।